जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के SST के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं। So guys, here is the question number 1 on your screen. Which of the following group wanted a nation in which government was based on the majority of a country's population? And the options are A. Liberals, B. Radicals, C. Conservatives and D. None of these. तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। और जैसा कि गाइज आप जानते हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 seconds का टाइम मिलेगा। So guys, your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, रेडिकल्स। सो गाइस, रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। व्हाट वाज सफ्रगेट? एंड द ऑप्शंस आर ए, पीजेंट्स मूवमेंट, बी, वर्कर्स मूवमेंट, सी, वुमेन्स मूवमेंट एंड डी, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, वुमेन्स मूवमेंट। सो गाइस, सफ्रगेट वाज द वुमेन्स मूवमेंट। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। बाय विच ईयर सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्मड अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड अ सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। एंड द ऑप्शंस आर ए, 1905, बी, 1914, सी, 1917 एंड डी, 1902। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, 1905। सो गाइस, बाय 1905 सोशलिस्ट्स एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्मड अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड अ सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4th आपकी स्क्रीन पर। अबाउट हाउ मच परसेंटेज ऑफ द रशियन एम्पायर्स पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। एंड द ऑप्शंस आर ए, 40%, बी, 55%, सी, 60% एंड डी, 85%। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करें। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, 85%। सो गाइस, अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर्स पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। व्हेन डिड द ज़ार निकोलस II एब्डिकेटेड द थ्रोन? एंड द ऑप्शंस आर ए, 17 जुलाई 1917, बी, 16 अक्टूबर 1917, सी, 2nd मार्च 1917 and D, 25 February 1917. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section. And your time starts now. Time up guys, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। So the correct answer of this question is C, 2nd March 1917. सो गाइस, ज़ार निकोलस II एब्डिकेटेड द थ्रोन ऑन 2nd मार्च 1917। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6th आपकी स्क्रीन पर।
हु वॉज द लीडर ऑफ बोल्शेविक ग्रुप एंड द ऑप्शंस आर ए व्लादिमीर लेनिन बी कार्ल मार्क्स सी रॉबर्ट ओवेन एंड डी जोसेफ स्टालिन। सो गाइज अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइज, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए व्लादिमीर लेनिन। सो गाइज व्लादिमीर लेनिन वॉज द लीडर ऑफ बोल्शेविक ग्रुप। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। व्हाट वॉज मर्सेलेज एंड द ऑप्शन आर ए नेशनल सॉन्ग बी वॉर सॉन्ग सी फॉक सॉन्ग एंड डी पीस सॉन्ग। सो गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइज, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी वॉर सॉन्ग। सो गाइज मर्सेलेज वॉज द वॉर सॉन्ग। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। इन विच ईयर मर्सेलेज वॉज ऑरिजिनली रिटन एज अ वॉर सॉन्ग एंड द ऑप्शन आर ए 1917 बी 1871 सी 1914 एंड डी 1792। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइज, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी 1792। सो गाइज मर्सेलेज वॉज ऑरिजिनली रिटन एज अ वॉर सॉन्ग इन 1792। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। व्हेन डिड द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा एंड द ऑप्शन आर ए 25 फरवरी 1917 बी 16 अक्टूबर 1917 सी 17 जुलाई 1917 एंड डी 20 अप्रैल 1917। सो गाइज इफ यू नो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देन यू कैन टेक्स्ट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए 25 फरवरी 1917। सो गाइस द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा ऑन 25 फरवरी 1917। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। हु स्टार्टेड कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम इन रशिया एंड द ऑप्शंस आर ए एम एन रॉय बी जोसेफ स्टालिन सी कार्ल मार्क्स एंड डी ज़ार निकोलस सेकंड। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी जोसेफ स्टालिन। सो गाइस जोसेफ स्टालिन स्टार्टेड कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम इन रशिया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप वॉज द सपोर्टर ऑफ वुमेन्स सफ्रेजेट मूवमेंट्स एंड द ऑप्शन आर ए रेडिकल्स बी लिबरल्स सी कंजर्वेटिव एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए रेडिकल्स। सो गाइज रेडिकल्स वॉज द सपोर्टर ऑफ वुमेन्स सफ्रेजेट मूवमेंट्स। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्स टू द सीक्रेट पुलिस ऑफ रशिया एंड द ऑप्शन आर ए FBI बी CBI सी चीका एंड डी गेस्टापो। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी चीका। सो गाइस, चीका इज रेफर्स टू द सीक्रेट पुलिस ऑफ रशिया। गाइस आप इसे चीका भी बोल सकते हो और आप इसे चेका भी बोल सकते हो, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13th ऑन योर स्क्रीन। बिफोर डैश ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया, एंड द ऑप्शंस आर ए 1917, बी 1920, सी 1918 एंड डी 1914। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी 1914। सो गाइस, बिफोर 1914 ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14th ऑन योर स्क्रीन। ब्लडी संडे इंसिडेंट टुक प्लेस इन विच ईयर इन रशिया, एंड द ऑप्शंस आर ए 1917, बी 1905, सी 1914 एंड डी 1902। सो गाइज, इफ यू नो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देन यू कैन टेक्स्ट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी 1905। सो गाइस, ब्लडी संडे इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1905 इन रशिया। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 15th ऑन योर स्क्रीन। इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रशिया फॉट अगेंस्ट विच टू कंट्रीज, एंड द ऑप्शंस आर ए इटालियन जर्मनी, बी इटालियन फ्रांस, सी जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया एंड डी फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। सो गाइज, इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रशिया फॉट अगेंस्ट जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। आई होप गाइज आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और गाइज आपको ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ी भी हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।